हाँ भैया, तो जैसा आ रहा था खबरों में, हर तरफ सुनने में आ रहा था कि नया एक आईफोन SE लॉन्च करेगा एप्पल, वैसा हो गया। आईफोन SE 3 लॉन्च कर दिया गया है। SE 3 बोल लो, SE 2022 बोल लो, एक ही बात है, उतना सस्ता नहीं है जितना लोग कह रहे थे। कई लोग कह रहे थे 20,000-25,000 का आ जाएगा। हमने कहा था नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। 40,000 के आसपास भी अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। आईफोन SE 3 आपको इंडिया में 44,000 रुपीज से मिलेगा। क्या नया है इसमें, फीचर्स क्या है, वो सब डिटेल में बताऊंगा आपको। आप देख रहे हो फाइबर हिंदी, मेरा नाम है पारस तिवारी। ऐसी जो है स्पेशल एडिशन होता है आईफोन का, 2020 में आखिरी मॉडल आया था, काफ़ी पॉपुलर रहा क्योंकि उस समय जो प्राइस थी 42,000 के आसपास थी, जो एंट्री पॉइंट था एप्पल इकोसिस्टम का, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया था और सेल में बहुत बिका। मतलब 42,000 के बजाय 27,000-28,000 तक में भी लोगों ने खरीदा था। तो यहाँ अगेन जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव USP अपने आप में है। 3 वेरिएंट्स में आता है, 64 GB, 128 GB और 256 GB। 3 ही कलर वेरिएंट्स भी है, मिडनाइट, स्टारलाइट और प्रोडक्ट रेड, जो एप्पल के आईफोन्स में हमेशा हम देखते हैं। SE जो है हमेशा से एप्पल का एक कॉम्पैक्ट फोन रहा है, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 4.7 इंच का यहाँ पर स्क्रीन दिया गया है और आईफोन 13 वाली ही ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिलती है। जो लोग एप्पल के अब आईफोन्स में वो बटन मिस करते हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि भैया बटन भी आ रहा है। हालांकि अगेन जब हम बात करते हैं ना कि एक बढ़िया डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ आप आइडियली नहीं चाहते कि बटन हो, बिकॉज नीचे वो बेजल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत स्पेस वो स्क्रीन में ले लेता है। तो वो आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट बटन। शायद आपको जो बेजल्स हैं वो थोड़े से थिक देखने को मिले। A15 बायोनिक चिप यहाँ पर एप्पल ने दिया है। सेम चिपसेट है जो आपको आईफोन 13 सीरीज में मिलता है। उसका फ़ायदा ये है कि आईफोन SE 2022 5G सपोर्ट करता है। तो एंट्री पॉइंट अगेन फॉर अ 5G आईफोन हैज़ कम डाउन टू 44,000 रुपीज़, इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। जिन लोगों को, जो लोग पुराने आईफोन मॉडल्स पे थे, 4G वाले थे, अब चाहते हैं 5G पे अपग्रेड करना, उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। इनफैक्ट यही वन ऑफ द रीजंस है कि एप्पल ने क्यों ये आईफोन लॉन्च करा, बिकॉज उस प्राइस पॉइंट पर कोई 5G रेडी आईफोन नहीं था। कैमरा हार्डवेयर में आपको एज सच कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, वही सिंगल 12 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। पर एप्पल का दावा है कि हमने कैमरा परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले बेहतर कर दिया है। कितना बेहतर किया है, जब फोन आएगा हमारे पास, यूज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे, तब बताएंगे। बैटरी भी अगेन आप हमेशा की तरह एप्पल बता तो नहीं है बैटरी बैकअप या कैपेसिटी कितनी है, बट बैकअप कहता है कि भैया आपको इतने घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा, और कह रहे पहले के मुकाबले वो भी हमने बैटरी लाइफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है। तो लेट्स सी अगेन कि ये क्लेम भी कितना सही होता है या नहीं। बाकी सारे फीचर यूजुअल है, आपको यहाँ पर IP67 रेटिंग भी मिल जाती है और iOS 15 आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन रन करेगा। इंडिया में जैसा मैंने आपको बताया, प्राइस जो है 44,000 रुपीज़ रहने वाला है। 11 मार्च से प्री ऑर्डर्स पर जाएगा और 18 मार्च से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए हमें कमेंट करके, कैसा लगा आईफोन SE 3, क्या फीचर्स से इंप्रेस्ड है, नहीं है, जो भी है बताइए, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जस्ट दैट आपको एक अफोर्डेबल 5G आईफोन भी मिल रहा है। बाकी आज बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे आई एम श्योर वीडियोज़ कुछ आ चुके होंगे, कुछ आने वाले हैं, और इस हफ्ते में भी काफ़ी सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड डेफिनेटली फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल।